You're watching Social Express Video FM. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ अनिला कोसर जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्क चाइना सेंटर में, जहाँ पर एक एक्सपो मुनक्किद किया गया है। और वो एक्सपो क्या है? वो एक्सपो स्मार्ट सिटी के नाम से है, जहाँ पर एक अलग से सोसाइटी बनाई जा रही है। और इसका इफ्तिताह कल फिरदौस आशिक अवान ने किया था और इसका आज दूसरा दिन है। और यहाँ पर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में हैं, कि वो बहुत इंजॉय करें यहाँ पर आकर। और ये जो एक्सपो है, जो जहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम से मुनक्किद किया गया है, ये इस्लामाबाद मोटरवे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें आपको ये एक अलग डिजिटल सोसाइटी बनेगी, अलग डिजिटल। यहाँ पर डिजिटल का सिस्टम होगा, मतलब मोबाइल के ज़रिए आपको हर एक चीज़ फ्राहम की जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी गार्ड या कुछ और भी आपको चाहिए होगा, वो आपको मोबाइल के ज़रिए, मतलब वो चीज़ आपको फ्राहम की जाएगी। और इसी हवाले से हम एक्सपो में जानते हैं आवाम की राय। ये है कि जितनी भी स्मार्ट फैसिलिटीज़ हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अमेनिटीज़, इवन कि आपकी फिंगरप्रिंट एंट्री के साथ आप एंटर हो रहे हैं, आपके पीओ नंबर्स हैं घरों के, और आप अपने मोबाइल ऐप से अपना घर कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑटोमेशन। सो ये पाकिस्तान में इस फर्स्ट एवर स्मार्ट सिटी, और दुनिया में ये 23वां स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का। देखें, फीडबैक तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फैंटास्टिक। अभी हम फर्स्ट बैलेटिंग भी कर चुके हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो होप सो विद इन 3 मंथ्स द सेकंड बैलेटिंग और हम पोजेशन दे रहे हैं। प्रोग्रेस इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम चल रहा है साइट पे। जी, यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लगा है, और ये नया कंसेप्ट है स्मार्ट सिटी का, उसको देख के हमें बड़ा बेहतर फील हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हमें दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, उनको देखकर बड़ा बेहतर फील हो रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत अच्छी सोसाइटीज़ डेवलप करेंगी। और DHA का ये स्मार्ट सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन है, इस प्रोजेक्ट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मैं तो कम अज़ कम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये स्मार्ट सिटी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि सब चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, और दूसरा ये कि आप एक बेटर फ्यूचर अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास फिर साथ जो हमारे पास कंपनीज़ हैं वो भी ऑथराइज जो डीलर्स हैं उनके पास ये बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो फ्री डिस्काउंट्स भी आपको अवेलेबल हैं। तो आप आएँ और इसको विजिट करें, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और टाइम बहुत कम है, सो जल्दी से आए और अपनी बुकिंग करवाएं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। यहाँ तो मुझे काफ़ी अजीब लगा है, लाइक मुझे डिफरेंट लगा है और सोसाइटी से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा इवेंट सेट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कोऑपरेटिंग स्टाफ है, और साथ में जो है ना ये फर्स्ट पाकिस्तान की फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग सोसाइटी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कि बेसिकली जो अच्छा है कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, और इट्स नॉट के ये जस्ट नाम दे रहे हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लाइक आपकी होम अप्लाइसेस से लेके आपकी हर चीज़ एक डिजिटल कंट्रोल होगी, जैसे कि बाकी एरियाज़ में होते हैं। और जो अच्छी चीज़ ये पाकिस्तान में ला रहे हैं, ये अपने आप को कह रहे हैं कि जैसे अच्छे स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट हुई है, जैसे बैरिया में हुई है या DHA में हुई है, तो ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह उससे अच्छे, अगर उनको आप 4 ग्रेड कंसिडर करते हैं तो हम 8 ग्रेड बनाना चाह रहे हैं। तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट
सिटीज़ हैं, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। इसके अलावा जितने और पाकिस्तान हैं उनके लिए एक डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा और लोगों को कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करें और बहुत बहुत अच्छा है और मैं कहूँगा ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये हबीब रफ़ीक इसको ऑन कर रहा है। इसको बेसिकली ऑन नहीं बल्कि डेवलपर्स भी ये खुद ही हैं इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम इसमें इंट्रोड्यूस हम करा रहे हैं वो बेसिकली स्मार्ट फीचर्स हैं। उसकी लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें कुछ हम जो है वो पहले इंट्रोड्यूस कराएँगे स्मार्ट थिंग्स, ताकि उसमें लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकें इस सोसाइटी से अदर सोसाइटीज़ के साथ। सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोजेक्ट तो बेसिकली है हमारा 55,000 कनाल पे है, ठीक है। और इसके बाद जो स्मार्ट फीचर्स में वो हम BRT सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दो किस्म के बस रैपिड ट्रांसपोर्ट है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद जो हमारा गार्बेज सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड होगा, और इसके अलावा कोई भी रेजिडेंट है वो ऐप के थ्रू जो है वो अपनी कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन सोसाइटी की ले सकेगा। और उसके अलावा फेस डिटेक्शन कैमराज है एंट्री एग्जिट पे, और कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ पे इंटरनेट जो रेजिडेंट के लिए फ्री होगा। और जितने भी मेट्रो स्टेशन वहाँ बनेंगे वहाँ पे हम जो है जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि रेजिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई इशू ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली स्मार्ट फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरी सोसाइटीज़ ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये बिल्कुल दे रहे हैं उसमें, देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने 100% इस बात की श्योरिटी दी है कि जो हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक है वो बेसिकली हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को ही हम दें। उसमें ये है कि उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का ज़रूरी है, उनके डॉक्यूमेंट से हम कंफर्म करेंगे कि ओवरसीज़ हैं, ताकि हम ओवरसीज़ को एक अलहदा से एक उनका ब्लॉक अलग करें और उनको वहाँ अकोमोडेट करें। और जो बाकी लोकल्स हैं जो हमारी जनरल पब्लिक है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमने एक सेक्रेट जो है वो एक एग्जेक्टिव ब्लॉक हमने इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके ओवरसीज़ ब्लॉक में और एग्जेक्टिव ब्लॉक में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सक्सेस होपफुल कि यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे आए हैं जो हमसे ब्रोशर्स और बुकिंग फॉर्म्स भी लेके गए हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, लेकिन आई एम श्योर कि जेन्युइन बंदे आ रहे हैं यहाँ पे और वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इसका फीडबैक बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी को सिलेक्ट करते हुए ये देखूंगी कि क्या वो इजी अप्रोच है, क्या वहाँ पर लोकल कन्वेंस या जहाँ मेरे रिलेटिव्स वहाँ पर आ सकते हैं, और उसके बाद अपने घर को देखते हुए मैं ये कहूँगी कि मेरे घर के बुनियादी सहूलियात, बिजली पानी गैस की फराहमी हो, कमर्शियल एरिया करीब हो, करीब में पार्क हो, मस्जिद हो, तो ये सारी चीज़ें जो कि एक घर की बुनियादी ज़रूरत होती हैं और एक घर के नियर अबाउट उस घर में रहने के लिए जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादा अहम होती हैं मेरे लिए। मैं ओवरसीज़ ही हूँ तो मैं आज एक्सपो के इसी हवाले से आया हूँ कि यहाँ पे आके कुछ माहौल देख सकूँ, फुटवर्क देख सकूँ, लोगों का इंटरेस्ट देख सकूँ, और मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मुझे तो पसंद है ये प्रोजेक्ट और मैं कर भी रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट, और मतलब एक सेफ एंड जो भी ओवरसीज़ होता है वो ये चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेफ रहे, तो उस हवाले से मुझे ये प्रोजेक्ट सेफ लगता है, क्योंकि ये नाम इतना बड़ा है, हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, तो मैं बाकियों को भी कहूँगा कि यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक सेफ प्रोजेक्ट है और सेफ इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि 2017 में हमारे जो 5 मरला का प्लॉट था सर, उसकी कीमत सिर्फ 17 लाख से थी, ठीक है। अब क्योंकि प्राइसेस में चेंज आया है तो इस अबाउट 24 लाख, जो कि आई थिंक
अगर महंगा कोई अगर इंसान ये भी कहे कि ये महंगा है, तो सर आप सिर्फ इसकी बुकिंग 2 लाख और तकरीबन 15,000 रुपये से कर सकते हैं। बुकिंग 2 लाख के बाद आप डायरेक्ट 3 मंथ्स के क्वार्टर पीरियड में आ जाते हैं, जिसमें से पहला क्वार्टर पीरियड जो है वो 1,60,000 रुपये का है। तो आई थिंक कि हर बंदा जो बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, कैन ईजिली बाय दिस लैंड एंड कैन इन्वेस्ट इन इट। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त है कि देखिए 2017 में अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, क्योंकि आई थिंक इस इंटरव्यू को बहुत सारे बिजनेस पर्सनल भी देख रहे होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये एक फ़ायदे की बात है कि इसमें इंक्रीमेंट आता है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का मनसूबाबंदी है कि जिसमें आप लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो मिल सकती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर नॉर्मल पब्लिक सबके लिए, मतलब चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत अच्छा है और सब चीज़ों के इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। कैपिटल की जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, सारी अरेंजमेंट्स दोनों दिन बहुत अच्छे थे। मैं पाकिस्तान के बाकी के शहर के लोगों को भी बोलूँगी और इवन जो इंटरनेशनल आपके विजिटर्स हैं उनको भी कहूँगी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कैपिटल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने दिया है ताकि आप यू नो इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो इवन फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं एडवान मोंटेसरी हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसके कहने पे आए आप? मैं मामा को बता रहा था कि मुझे भी जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एंजॉय किया? जी। मज़ा आया आपको? जी मज़ा आया। अच्छा, क्या खाया पिया? मैं कभी ये मार्शमेलो लेता हूँ, कभी मैं पॉपकॉर्न लेता हूँ, मैं कभी वो चीज लेता हूँ। इंतजामिया की राय सुनी है, उनका ये कहना है कि जो स्मार्ट सिटी है ये एक सबसे डिफरेंट है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन सब में ये मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटल है और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम सबको कहना चाहेंगे जो दूसरी सिटीज़ के लोग हैं कि वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि मुस्तकबिल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिटी बनने जा रही है। तो मेज़बान अनिला कोसर को इजाज़त दीजिए और मज़ीद नए प्रोग्राम के लिए देखते रहिए सोशल एक्सप्रेस न्यूज़। Watching Social Express, Video FM.